राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं प्रभारी अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। मंत्री सारंग ने सभी को खेल दिवस की बधाई देते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, खेल दिवस हम उनकी स्मृति में मनाते हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ध्यानचंद ने हिंदुस्तान का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि दुनिया में हॉकी को स्थापित करने का काम मेजर ध्यानचंद ने ही किया, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनको लेकर कहा जाता है कि कहीं उनके स्टेट में हॉकी की बॉल तो नहीं चिपक जाती। आज खेल दिवस के मौके पर हमें यह प्रण लेना है कि हम देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। जल्दी हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, इसमें कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस देश को और सशक्त बनाना है तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूत भी बनो, खेल का काफ़ी महत्व है। उन्होंने कहा, खिलाड़ी की दक्षता जितनी तीव्र होनी चाहिए उससे ज़्यादा तीव्र खेल भावना होनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगी हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा को हराना हमारा लक्ष्य होता है। उनकी हर सुविधा का ध्यान रखेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर स्तर पर खेलों का विकास हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, हर तरफ उन्नयन, हर तरफ विकास, ये हमारे एजेंडे का सबसे पहला काम है। खिलाड़ी अच्छा खेले, खिलाड़ी अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करे, उत्कृष्टता के साथ अपने प्रदर्शन को दुनिया के सामने प्रदर्शित करे, हर खिलाड़ी को हम अच्छी सुविधा दें, इसके लिए तो हम कृतसंकल्पित हैं ही। पर हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में युवा खेल के मैदान से और ज्यादा जुड़ जाए, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे विभाग का यही उद्देश्य है, एक तो हमें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना है, और जो युवा खेल के मैदान से दूर है उनको खेल के मैदान तक लाना है। और इसलिए मैं बहुत विस्तार से आज बात नहीं करूंगा, जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से कर कमलों से हम मध्य प्रदेश में एक बहुत अभिनव योजना की शुरुआत कर रहे हैं, खेलो बड़ो अभियान, जिसके माध्यम से हम युवाओं को सीधे खेल से जोड़ने का काम करेंगे। उसके बारे में विस्तार से मैं भी नहीं बताना चाहता, पर उसमें ये जरूर हम सुनिश्चित करेंगे कि खेल से जुड़ा हुआ, खिलाड़ी से जुड़ा हुआ, युवा से जुड़ा हुआ, हर स्टेक होल्डर से हम कम्युनिकेशन स्थापित करके ये सुनिश्चित करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को जो छुपा हुआ है, जो गांव में है, सुदूर हमारे नीचे के क्षेत्र में है, उसको भी हम लेके आए। और आज मैं एक बात की और घोषणा कर रहा हूं, हम अगले 2 साल में ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश का कोई पंचायत स्तर का ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जिसमें खेल मैदान नहीं होगा, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा।